एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ होंगे व्यस्त होंगे। सो यार, मॉर्निंग हो चुकी है। इस खूबसूरत सी मॉर्निंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ब्लॉग में, और आपको दिखाऊंगा अभी कि मॉर्निंग का जो व्यू है उत्तरकाशी का वो क्या है, मौसम आज कैसा है। तो भाई, मॉर्निंग का कुछ व्यू जो है वो इस तरीके से है। आप देख सकते हो हल्के हल्के बादल लगे हैं और चारों तरफ धुंध सी लगी है थोड़ी सी। ये है कुछ मार्केट का हाल। हाल फिलहाल दुकानें तो खुली गई है थोड़ा बहुत। यार, तो मौसम का हाल मैंने आपको बता दिया कि आज मौसम कैसा है। बढ़िया मौसम है आज उत्तरकाशी का। चारों तरफ हल्के हल्के बादल लगे हैं, हल्की धुंध लगी है और ठंड, मतलब बढ़िया, ज़्यादा गर्म नहीं है आज उत्तरकाशी में। यार, अब मेन टास्क मेरे लिए हो गया कि ब्रेकफास्ट में मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में जब आप अकेले होते हो रूम पे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आपको क्या बनाना है क्या नहीं, क्योंकि मन तो वैसे ही नहीं करता अकेले में कुछ खाने का। तो यार, अंकित भाई घर जा रहे हैं तो एक्चुअली मैं अकेला हूँ रूम पे, तो देखते हैं यार अभी क्या। मेरे दिमाग में तो ये चल रहा कि जो हम लड़कों का चलता ही है कि यार मॉर्निंग के टाइम पे मैगी खाओ, दिन में अपनी खिचड़ी खाओ, तो वही मेरा भी चल रहा है कुछ। मैं अभी मैगी लाता हूँ, मैगी और रोटी बनाऊंगा। तो अगर दिन में भूख लगेगी तो देखते हैं, दिन में फिर कुछ और प्लान करेंगे। तो आप इंजॉय करो इस ब्लॉग को। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट बनाते हुए। तो यार, मैगी तो ला दी है, दो मैगी बनाऊंगा और फिर चार पांच रोटी बनाऊंगा अभी। तो चलो शुरू करते हैं अपनी कुकिंग। यार, एक बात तो है, आप कितना भी अच्छा खाना बना लो, कितना भी अच्छा खाना बना लो, जो स्वाद माँ के हाथ के खाने का है ना, वो कुछ अलग ही है। मतलब मैं यहाँ रहता हूँ तो यार मम्मी के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि यार माँ के हाथ में जो प्यार है, जो माँ के हाथ में जो स्वाद है, वो कहीं और कहाँ मिल सकता है। हम कितना भी अच्छा बना लें, कितने भी मसाले डाल लें खाने में, कोई फ़र्क नहीं। तो यार, जब तक मैगी पकती है तब तक मैं आटा गूंद लेता हूँ, तब तक रोटी बनाने की तैयारी कर लेता हूँ। तो भाई, फाइनली बड़ी मुश्किल से आटा गूंद लिया है, अब बनाते हैं रोटी। तो भाई, अब स्टार्ट करते हैं रोटी बनाना। तो भाई लोग, ब्रेकफास्ट तो मैंने कंप्लीट कर लिया बना के, अब क्या करते हैं इसके बाद। ब्रेकफास्ट करने से पहले सफाई कर लेता हूँ, क्योंकि रूम थोड़ा ऐसे ही गंदा हो रखा है। आज जब छुट्टी है तो कर लेता हूँ, क्योंकि और दिन तो ऑफिस जाना पड़ता है, तो उस टाइम टाइम मिलता नहीं अपना कि हम रूम की साफ़ सफाई कर लें। तो आपको रूम की कंडीशन दिखाता हूँ कि रूम हमारा कितना गंदा हो रखा है अभी। ये कुछ इस तरीके की हालत है रूम की, देख सकते हो, सारा बिस्तर बुस्तर बिखरा हुआ नीचे, और यहाँ पर सामान भी बिखरा हुआ पूरा, देख सकते हो आप। ये बनी है कुछ अपनी मैगी, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। देखने में तो टेस्टी लग रही है, अब खाने में कितनी टेस्टी हो भाई पता नहीं, वो तो खा के पता चलेगा। तो ये है मैगी भाई लोग, ये है अपनी जली हुई रोटियाँ। करते हैं ब्रेकफास्ट और बताते हैं आपको कि कैसी बनी है मैगी। थोड़ा नमक ज़्यादा है, क्योंकि तो नमक का मेरे को आइडिया बिल्कुल भी नहीं आता, वैसे भी नमक मैं बहुत कम खाता हूँ, तो मुझे थोड़ा नमक ज़्यादा लग रहा है, और तो ठीक है। चलो फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोगों को फिर से मिलता हूँ। तो गाइस, ब्रेकफास्ट अभी मैंने कर लिया है, और मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला था कि अभी एक्चुअली जैसे बरसात अब कम, मतलब कम हो गई है बरसात फिलहाल, तो पहले से तो कमी हो गई, सितंबर अक्टूबर में तो कमी हो जाती है बरसात। तो अब जो ये चारधाम यात्रा है वो फिर से स्टार्ट हो गई, अभी बीच में बिल्कुल, मतलब लोग आ नहीं रहे थे बरसात के डर के मारे,
अब फिर से स्टार्ट हो चुकी है यात्रा। मैं आपको अभी ग्राउंड में दिखाऊंगा, पीछे मेरे रूम के जस्ट पीछे रामला ग्राउंड है। तो भाई ये कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप, बसें खड़ी है चारों तरफ, गाड़ियां खड़ी है, बीच में तो ग्राउंड है, बीच में तो गाड़ियां खड़ी होगी नहीं। और ऐसे ही कुछ रोड पे, मेन रोड पे आपको देखने को मिलेगा जो मेन रोड है बाहर, क्योंकि तो यात्रा अभी स्टार्ट हो चुकी है। और ये वर्णावत का व्यू है यहाँ से। यार अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, आप थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ अपना और फिर आपको मिलूँगा उसके बाद। यार अभी क्या हुआ कि मैं लेट रखा था बिस्तर में, तो बाहर से आवाज़ आई कि हर हर गंगे करके। मैंने बोला यार हो क्या रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार बाहर जाके। फिर मैंने देखा तो बाहर बहुत सारी देव डोलियाँ थी और लोग नारे लगा रहे थे कि हर हर गंगे करके। बहुत अच्छा लगा देख के यार, हम लोग सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं जो लोग हम लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं और इस पावन भूमि में रह रहे हैं जहाँ पे चारों तरफ देवों का वास है। यार तो आज पूरे दिन भर रूम पे ही था और टाइम हो रहा है अभी शाम के 6:30, तो सोच रहा हूँ यार थोड़ा बाहर घूम के आऊँ, क्योंकि यार पूरे दिन भर रूम पे बहुत बोर हो चुका हूँ मैं। तो चलो चलते हैं। तो केदारघाट पहुँचने से पहले ही माँ दुर्गा के दर्शन हो गए। श्री श्री माँ आनंदमयी काली घाट केदारघाट। तो भाई लोग हम पहुंच चुके हैं केदारघाट के पास और ये है माँ गंगा। मैं थोड़ा लेट आ गया, आरती हो चुकी है अभी। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा व्यू दिख रहा है अभी शाम के टाइम पे। लोग आरती के लिए ज़्यादा आते हैं इस टाइम पे यहाँ पे। आजकल यात्रा स्टार्ट हो गई है तो यात्री भी बहुत आ रहे हैं। ये कुछ दीवार में कलाकृतियाँ बनी हुई है, जैसे कि चार धाम है हमारे, और ये है माँ नंदा देवी की जो डोली है वो है, और ये हमारा जो तांदी नृत्य है वो दिखा रखा है इन्होंने। तो बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनी हुई है। तो यार आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।